सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम गोरखपुर को नंबर वन रैंकिंग दिलाने में जुटे नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी घरों से निकलने वाले गीले व सूखे कचरे को डोर टू डोर के वाहनों को उपलब्ध कराने व महानगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने की अपील। वार्ड नंबर 35 के नागरिकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तीसरी किस्त जारी करने की मांग को लेकर नगर निगम पार्क में किया धरना प्रदर्शन। किस्त को नगर निगम प्रशासन से जल्द जारी करने की मांग। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के सवाल पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण है रिश्ता। इंटीग्रेटेड कवच योजना के तहत की जा रही है निगरानी, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के चल रहे सर्वे में वोट देने की महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने नागरिकों से की अपील, कहा वोट देकर गोरखपुर को स्वच्छता में बनाए नंबर वन। कुछ दिनों तक जनपद में होगी छिटपुट वर्षा, वर्षा से बढ़ रहा नदियों का जलस्तर, प्रतिदिन नदियों के जलस्तर की जा रही है निगरानी, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। महानगर की महिला पार्षदों को स्वयं कार्य करने की मांग को लेकर शहरी जेंडर एक्शन टीम के पदाधिकारियों ने महापौर को सौंपा ज्ञापन, कहा महिला पार्षद नहीं निकलती वार्ड में घर से बाहर, सब कार्य करते हैं उनके पति, महिला पार्षद को आगे आकर करना चाहिए अपना कार्य। नंदानगर क्रॉसिंग के पास से शुरू हुआ यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा तीसरी लाइन चालू हो जाने पर गोरखपुर से देवरिया और गोरखपुर नरकटिया गंज रूट पर ट्रेनों के संचालन में होगी सुविधा। तिलवाताल क्षेत्र के सुंदरीकरण के लिए बनाए जा रहे 560 मीटर के घाटों सहित अन्य कार्यों का मंडलायुक्त ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर जीआरपी को अहम कामयाबी लगी हाथ, बदमाशों के सरगना अमित पांडे समेत 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी के 8 मोबाइल लैपटॉप समेत। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम गोरखपुर को बेहतर रैंकिंग दिलाने व महानगर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने हेतु नगर सफाई महाअभियान के अंतर्गत नगर निगम के पार्षदगण, अधिकारी और कर्मचारीगण, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहित समिति RWA सोसाइटी के सदस्य, समाजसेवी संगठन एवं विशिष्ट अतिथियों के समन्वय द्वारा जनमानस को घरों से निकलने वाले गीले व सूखे कचरे को अलग अलग कर नगर निगम के डोर टू डोर के वाहनों को उपलब्ध कराने, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने, कपड़े या जूट के थैले का उपयोग करने तथा सिटीजन फीडबैक में नगर निगम गोरखपुर को बेहतर रैंक दिलाने के लिए सकारात्मक फीडबैक हेतु जोनवार संपूर्ण स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही रैली के माध्यम से हरा नीला डस्टबिन वितरण कार्यक्रम करते हुए स्वच्छता एवं सिटीजन फीडबैक के लीफलेट बांटते हुए आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। वार्डों में आयोजित नगर सफाई महाअभियान रैलियों में नगर निगम की टीम द्वारा डोर टू डोर जाकर लोगों से सिटीजन फीडबैक के तहत सकारात्मक प्रतिक्रिया लेते हुए आम जनमानस से नगर निगम गोरखपुर को 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर वन बनाने की अपील भी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, देखिए गोरखपुर में डोर टू डोर कलेक्शन हमारा बढ़ रहा है। डेली हमने माननीय मुख्यमंत्री निर्देशन के क्रम में प्रत्येक वार्ड में हमने एक रैली निकाली है, लोगों को एंगेज कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 चल रहा है जिसमें गोरखपुर की रैंकिंग हमारे नागरिकों के द्वारा सिटीजन फीडबैक के रूप में भी ली जा रही है। तो आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि सभी स्वच्छता ऐप में और वोट फॉर योर सिटी ऐप पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की सिटीजन फीडबैक दें, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दें जिससे गोरखपुर की रैंकिंग अच्छी आ सके। धन्यवाद। महानगर के वार्ड नंबर 35 के नागरिकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त देने की मांग को लेकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में वार्ड नंबर 35 के नागरिक राधेश्याम चौहान ने बताया कि हम सभी नागरिकों का प्रधानमंत्री आवास योजना का तीसरा किस्त नहीं मिली है, जो कि 3 साल से ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से पूरा मकान नहीं बन पाया है। हम लोग 2 किस्त का इस्तेमाल कर लिए हैं और मकान भी बन गया है, लेकिन तीसरी किस्त नहीं मिली है। इसलिए हमारी नगर निगम के अधिकारियों से मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त जारी की जाए, जिससे हमारा मकान पूरा बन पाए। इस अवसर पर वार्ड नंबर 35 के नागरिक गुड़िया, लक्ष्मीना, पूनम, राजपति, बरसाती, बलवंती, देवी, रीता, कुसुमवती, उर्मिला, जुगनी, बेबी चौहान, आशाशी, अनुराधा, विनय चौहान, निगमदारा चौहान,
सरोजीत, पुष्पा कैलाशी सहित अन्य नागरिक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वार्ड नंबर 35 के नागरिक राधेश्याम चौहान ने कहा, हम लोग नगर निगम में आए, हम उन लोग का लास्ट किस्त नहीं मिला अभी तक। कितना है किस्त? 50,000 का। कितने दिनों से नहीं मिला? 3 साल से ज्यादा हो गया। किससे किसके पास जाया जाए? जब वो एक मैम मिली है तो बोली है कि आप लोग चलिए नगर निगम, हम आपका शिकायत दर्ज करवाते हैं। अच्छा, किसी अधिकारी से नहीं मिले आप? अभी तो नहीं मिले हैं। क्या मांग करते हैं हम नगर निगम से? नगर निगम से यही जो उचित है, जो उनको करना चाहिए वो करें। लास्ट किस्त बाकी है तो लास्ट किस्त हमको चाहिए था। दो किस्त का इस्तेमाल कर लिए हैं? हाँ, इस्तेमाल कर लिए हैं। जी, मकान बन गया है। कितने नंबर वार्ड से हैं? 35 नंबर वार्ड से हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम चौहान। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिलित भवन, महेवा बनहार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन ले, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के सवाल पर ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, जो बॉर्डर की सुरक्षा है 500 किलोमीटर की पड़ती है, ये हमारी खुली सीमा है। भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण रिश्ता है, यहाँ वीजा की जरूरत नहीं है, यहाँ आप आइडेंटिटी लेकर जा सकते हैं। यह खुली चुनौती भी बन जाती है जब लोग प्रतिदिन लाखों लोग वहां से क्रॉस कर रहे हैं। इसको लेकर इंटीग्रेटेड कवच योजना शुरू की जा रही है। हमारी सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड था, जहां पर सेंट्रल एजेंसी अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन कर रही है। कवच योजना के तहत इसकी डायमेंशन यानी क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है। नेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन पर काम हो रहा है। बॉर्डर एरिया पर मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल बनाना है, जिससे दोनों देशों के नागरिक प्रयोग कर सकते हैं और एक गुड फील कर सकें। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने विजिलेंस सिक्योरिटी बनाया है, जो इंटेलिजेंस डेवलप करके हम लोगों को दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए बॉर्डर जो नेपाल सीमा है, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा करीब करीब 500 किलोमीटर की पड़ती है, और चूंकि हमारी सीमा एक खुली सीमा है, हमारी जो मैत्रीपूर्ण रिश्ता है हमारे और नेपाल के बीच में, तो ये सीमा खुली है, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप आइडेंटिटी लेके क्रॉस कर सकते हैं। और यही एक चुनौती भी बन जाती है, जब इतनी खुली सीमा है, लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन क्रॉस आगे पीछे कर रहे हैं, तो ऐसे परिवेश में चुनौतियाँ बड़ी हो जाती हैं। उसको लेके एक इंटीग्रेटेड व्यवस्था हम लोग कवच योजना अभी हाल में पिछले कुछ दिनों में लागू भी किया है। कवच योजना के तहत में जो हम सिक्योरिटी ओरिएंटेड अप्रोच था हमारा, वो तो जारी रखा हुआ है, जिसमें हमारे सेंट्रल और स्टेट एजेंसी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। अब कवच में हम लोगों ने उसको थोड़ा डायमेंशन को बढ़ाया है, जहाँ पर सिटीजन्स इंगेजमेंट इन नेशनल सिक्योरिटी, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज, सोशल एंड कल्चरल कनेक्ट बिटवीन बोथ कंट्रीज, ये सब पे फोकस किया है, जिससे एक होलिस्टिक अप्रोच हो बॉर्डर सिक्योरिटी पर। इस पर विभिन्न चरणों पर प्रदेश सरकार द्वारा इस पर
अनुमोदन हो चुका है और विभिन्न चरणों पर विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने जो उनको रोल्स दिए गए हैं उस पर वो काम कर रहे हैं। इसमें बॉर्डर एरिया पे मॉल बनाना है, हॉस्पिटल्स बनाना है, स्कूल्स बनाने हैं, हब्स बनाने हैं डिफरेंट टाइप के, ताकि दोनों देश के नागरिक उनका प्रयोग कर सकें और एक फील गुड फैक्टर उनको आए। और इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के लिए हम लोग बॉर्डर विलेज सिक्योरिटी कमिटीज बनाए हैं जो इंटेलिजेंस डेवलप करके हम लोगों को दे रही है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके तहत जो हम एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म था उसको हम लोग फर्दर स्ट्रेंथ। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने महानगर के सभी नागरिकों से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के चल रहे सर्वे में वोट देने की अपील की है, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का सर्वे चल रहा है, इसलिए महानगर के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वो अपना वोट जरूर करें, क्योंकि पिछले 5 सालों में बेहतर हुआ है, लेकिन नागरिक स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना योगदान देंगे तो हमारा शहर देश में नंबर 1 शहर बन जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, सर्वेक्षण तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि बहुत आवश्यक है और मैं सारे नगर के संभ्रांत नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि इसमें सिटीजन फीडबैक चल रहा है जो जिसको बहुत आवश्यक है कि हम लोग इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि जिस तरह से पिछले लगभग 5-7 सालों में हमारा शहर बेहतर हो गया है, उस संदर्भ में अगर हम अपने शहर को नंबर 1 पर नहीं लाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा दुखदायी होगा। ऐसे में आप सबसे बहुत अनुरोध है कि सिटीजन फीडबैक फॉर्म जरूर भरें, अपने शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम बनाने का अपना पूरा प्रयास करें। अगर ये स्मार्ट सिटी हमारी अपनी हो गई तो निश्चित तौर से हम और बेहतर विकास की गति को और गति दें। जनपद में अभी कुछ दिनों तक कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा होगी, इसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार अभी जनपद में कुछ दिनों तक वर्षा होगी और हो भी रही है, इसके अलावा कुछ जगहों पर नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर को येलो जोन में रखा गया है, इसलिए वर्षा होगी, जिससे सरयू व घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और 24 घंटे के अंदर अयोध्या नदी डेंजर लेवल के ऊपर हो जाएगी, इसको देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार नदियों के जलस्तर की निगरानी की जा रही है और सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, ये मौसम को लेकर के लगातार नौकास्ट IMD द्वारा दिया जा रहा है और उस नौकास्ट के आधार पर हम लोग सभी डिपार्टमेंट को भी सूचित कर रहे हैं, साथ ही ये प्रयास कर रहे हैं कि समुदाय स्तर तक सूचनाएं पहुंच जाएं, क्योंकि वर्षा है इस तरफ और वर्षा रह करके हो भी रही है, चूंकि स्कैटर्ड रेनफॉल है, कुछ क्षेत्रों में हो रही है, कुछ क्षेत्रों में नहीं भी हो रही है, तो इस तरीके से ये जो भी वार्निंग मिलती है वो जनपद स्तर की मिलती है, इसलिए प्रयास किया जाता है कि जो वार्निंग मिल रही है उस वार्निंग को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जाए। और चूंकि अभी मानसून पीरियड चल रहा है इसलिए अभी वर्षा का पूर्वानुमान प्राप्त है और अगर ये 2-3 दिनों तक का जो पूर्वानुमान है, क्षेत्रों में वर्षा होती रहेगी और छुटपुट वर्षा बनी रहेगी। देखिए गोरखपुर अभी येलो जोन में है, बीच बीच में कभी कभार ऑरेंज जोन में भी आता है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे थोड़ी भारी वर्षा होती है, लेकिन अभी फिलहाल गोरखपुर येलो जोन में है और वर्षा अभी है इस क्षेत्र में, और जो वर्षा हो रही है उससे नदियों के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है। अभी सरयू जो नदी है, जो हमारी घाघरा नदी है, उसका जलस्तर बढ़ रहा है और ये संभावित है कि अगले 24 घंटे के अंदर वो अयोध्या पर डेंजर लेवल के ऊपर हो जाए, और उसके दृष्टिगत जो हमारा जो तहसील खजनी और गोला का जो क्षेत्र है वहाँ पे हम लोगों ने अलर्ट जारी कर दिया है और वहाँ पर जो अधिशासी अभियंता बाणखंड 2 का एरिया है उनको भी अनुरोध कर लिया गया है, लगातार तटबंधों का निरीक्षण किया जा रहा है, बाढ़ चौकियों को भी क्रियाशील कर दिया गया है जिससे कि नदियों के जलस्तर की वृद्धि को लगातार टैकल किया जा सके, देखा जा सके और उसके आधार पर समुचित। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिल भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन ले, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलेश भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। शहरी जेंडर एक्शन टीम के पदाधिकारियों ने महानगर के महिला पार्षद को स्वयं काम करने की मांग को लेकर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि हमको एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और कहा गया है कि जो महिला पार्षद हैं उनको स्वयं कार्य करना चाहिए, जिस पर उनको बताया गया है कि पहले से ही नोटिस जारी किया गया है कि महिला पार्षद क्षेत्र में निकलकर स्वयं कार्य करें। इसके लिए मुख्यमंत्री भी सभी महिला पार्षदों से आह्वान कर चुके हैं। हम लोग हमेशा से यह बात कहते आए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, उनका अनुरोध था कि जो है जो पार्षद जीत के आई है उनको स्वयं उनको कार्य करना चाहिए। तो हम लोग तो शुरू से इस चीज के हम क्या मुझसे लेके और मुख्यमंत्री महोदय तक का ये हमेशा से निर्देश रहता है कि जो है इनको महिलाएं जो स्वयं जीत कर आई हैं उनको स्वयं ये कार्य करना चाहिए न कि, और इस तरह का अनुरोध हम लोग हर सदन के जितने भी कार्य होते हैं उनमें भी ये जिस तरह का ही सर्कुलर जारी होता है कि वो स्वयं आए और अपना अपना दायित्व निर्वहन करें। गोरखपुर कुसमी कैंट स्टेशन के बीच बिछाई जा रही तीसरी लाइन के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य सोमवार से शुरू हो गया है। नंदा नगर क्रॉसिंग के आगे से यह कार्य आरंभ हुआ है। 30 अगस्त तक चलने वाले इस कार्य के चलते गोरखपुर स्टेशन से गुजरने वाली 21 जोड़ी ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा 12 जोड़ी ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाया जा रहा है। आपको बता दें, बैतालपुर से खलीलाबाद के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण होना है। पहले चरण में अभी कुसमी से गोरखपुर कैंट तक लाइन बिछाने का काम हुआ है। अब इस लाइन को मेन लाइन के समानांतर चालू करने के लिए इसे सिग्नल सिस्टम के जोड़ने का काम चल रहा है। इस प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की शुरुआत सोमवार को नंदानगर क्रॉसिंग के पास से हुआ। पटरियों को जोड़ने व अन्य अधूरे कार्य को पूरा कराने के लिए पूरे दिन अफसर वहां जमे रहे। कैंट स्टेशन पर भी इसके लिए जरूरी कार्य शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि तीसरी लाइन चालू हो जाने पर गोरखपुर से देवरिया और गोरखपुर नरकटियागंज रूट पर ट्रेनों के संचालन में सुविधा होगी। इसलिए गोरखपुर स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। निर्धारित समय से काम पूरा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा, गोरखपुर कैंट कुसमी डोमिनगढ़ के बीच में तीसरी लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में डोमिनगढ़ से कुसमी से गोरखपुर कैंट के बीच में तीसरी लाइन का कार्य पूरा हो चुका है और इसकी एनआई के लिए कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कुछ ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इस तीसरी लाइन के कार्य के होने से जो यहाँ बॉटलनेक वाली स्थिति है कुसमी से गोरखपुर कैंट के बीच में, उसमें सुधार आएगा। लगभग 10 किलोमीटर की तीसरी लाइन बनकर कनेक्ट हो जाएगी।
साथ ही इस लाइन के कनेक्ट होने के साथ जो गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन है उसके यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य भी पूरा हो जाएगा। स्टेशन मास्टर के कमरे में जो पैनल लगता है उसकी जगह नया डिजिटल इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें एलईडी स्क्रीन लगेगी और एक क्लिक से पॉइंट सेट हो सकेंगे। इसके लिए जो नया भवन बनाया गया है गोरखपुर कैंट में, सैटेलाइट स्टेशन का कार्य भी चल रहा है। नए भवन में स्टेशन मास्टर की जो ऑफिस है, जो उनका नया स्क्रीन लगेगा, वो नए भवन में लगेगा। इसे पुराना भवन जो प्लेटफॉर्म पे स्थित है वो तोड़कर हटा दिया जाएगा और नए प्लेटफॉर्म और नई लाइनें वहाँ पे बन सकेंगी, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और ज़्यादा ट्रेनें हम लोग गोरखपुर कैंट से भी चला सकेंगे, जो कि लोकल डिस्टेंस की जो ट्रेनें हैं नरकटियागंज साइड जाने वाली या सिवान साइड जाने वाली, उन ट्रेनों को गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन से भी चलाया जा सकेगा। इससे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जो लोड है, कंजेशन है, उसमें कमी आएगी। अभी की बात करें तो 7 अगस्त से कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, कुछ ट्रेनें 8 अगस्त से की गई हैं, अलग अलग डेट्स में अलग अलग ट्रेनें कैंसिल हैं। लगभग 25 जोड़ी ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। यात्रियों को असुविधा ना हो इसके लिए लीन पीरियड ये जो है, जिस टाइम में यात्रियों की मांग कम रहती है, यह टाइम इसके एनआई के लिए चुना गया है। और इसमें जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं उनको हम लोगों ने कोशिश की है कि उनका मार्ग डाइवर्ट करके उनको चलाया जाए, जिससे यात्रियों को असुविधा ना हो। कब तक ये काम चलेगा? ये पूरा अगस्त महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा, तो ट्रेनें जो है लगभग 30 अगस्त। चिल्वाताल क्षेत्र के सुंदरीकरण के लिए बनाए जा रहे 560 मीटर के घाटों सहित अन्य कार्यों का मंडलायुक्त अनिल ढींगरा द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान लेकमैन आनंद गवड़कर, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, प्रोजेक्ट मैनेजर मनोज शर्मा, पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा और HURL GM सुबोध दीक्षित सहित कार्यदायी संस्था मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, चिल्वाताल के विकास के लिए एक लिंकमैन ऑफ इंडिया हमारे आनंद मालवाड़ी जी आए थे बेंगलुरु से, तो चिल्वाताल के विकास का कैसे विकास हो, कैसे नेचुरल इकोसिस्टम बने, कैसे उस तालाब का जो पानी है और पानी के साथ साथ जो और भी इकोसिस्टम है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए कम कॉस्ट में, तो उसी के लिए उसका निरीक्षण किया गया और साथ ही कई सारे सुझाव सर के द्वारा। गोरखपुर GRP को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने बदमाशों के सरगना अमित पांडे समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी का 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप समेत नकदी भी बरामद किया गया है। बरामद सामान की अनुमानित कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए SP रेलवे अवधेश सिंह ने बताया कि रेल यात्रियों को निशाना बनाकर साथी बदमाश चलती ट्रेन में यात्रियों का सामान चुराते थे। इन्हें रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SP रेलवे अवधेश सिंह ने कहा, विगत कई दिनों से ट्रेनों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, इसकी सूचना मिल रही थी। इस पर एक टीम गठित की गई थी और हमारी जो QRT थी उसकी मदद से आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 9 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपया है। और इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इससे निश्चित रूप से जो ट्रेनों में घटनाएं हो रही थी उस पर रोक लगेगी और लोग निश्चित रूप से चैन की सांस ले सकेंगे। इसके पूर्व भी जेल भेजे गए हैं? हाँ, इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभी कोई आपराधिक इतिहास मिला नहीं है, क्योंकि अंकुर पांडे जो है, ये जो गिरफ्तार हुए हैं, ये सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं लेकिन फरीदाबाद में रहते हैं, हरियाणा में। अकबर आलम और रंजीत झा, अकबर आलम नरकटियागंज बिहार के रहने वाले हैं और रंजीत झा सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले हैं। तो ये 3 प्रदेशों में लोग रहते हैं, तो इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी हमारे गोरखपुर थाने में इनका कोई आपराधिक इतिहास इसके पहले का नहीं रहा। किस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं? ये चलती ट्रेनों में चढ़ जाते हैं और उसमें से जिसका भी मोबाइल फोन और लैपटॉप पा जाते हैं उसको लेकर के निकल जाते हैं। 3 लोग रहते हैं तो 2 लोग जहां उसको उतरना रहता है वहां खड़े हो जाते हैं, 1 आदमी घात लगाए रहता है और वो उनके पर्स में से या जहां से भी पाता है उसको लेकर के उतर जाते हैं। तो ऐसे गिरोह को ऑपरेट करने वाला एक सरगना जरूर होता है, जिसकी तलाश हमेशा की जाती है। जी, उन्होंने बताया कि कौन कौन लीड कर रहा था इसको? हाँ, वो विवेचना का विषय है, विवेचना की जा रही है। उसमें जो भी सरगना प्रकाश में आएगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसके पहले भी हम लोगों ने कार्यवाही किया है
और आप देखेंगे कि इस पर काफी रोक भी लगी है, क्योंकि हम लोग जो शातिर किस्म के अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से गैंगस्टर के भी। गोरखनाथ मंदिर कार्यालय से लंबे समय से जुड़े द्वारिका तिवारी की पत्नी पुष्पा तिवारी का रविवार की रात 9 बजे निधन हो गया। 66 वर्षीय पुष्पा लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थी। गोरखनाथ चिकित्सालय में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार राप्ती नदी के राजघाट पर सोमवार की सुबह 9 बजे किया गया। आपको बता दें, द्वारिका तिवारी गोरखनाथ मंदिर से काफी लंबे समय से जुड़े हैं। मंदिर में आने वाले फरियादियों की बातें सुनना और कार्रवाई के लिए पत्र लिखने से लेकर फोन करने की जिम्मेदारी द्वारिका तिवारी ही निभाते हैं। उनके दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाने के लिए शुभचिंतकों का तांता लगा रहा।